सिरोही के माउंट आबू में 14 जुलाई को युवक साहिल से मारपीट और हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल माउंट आबू पुलिस ने गुजरात से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गुजरात के अमीरगढ़ निवासी त्रिवेंद्र कुमार गरासिया, इकबालगढ़ निवासी राहुल गरासिया, जयेश गरासिया और मुकेश गरासिया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश प्रजापत ने। पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण जगह है और हर कोई माउंट आबू आना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर 14 जुलाई की वारदात को लेकर के यह आरोप लगाए जा रहे थे कि वारदात माउंट आबू के स्थानीय लोगों ने की है। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं माउंट आबू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसी विषय को लेकर मेरे साथ मौजूद है पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा, इनसे बात करेंगे। सर, एक पर्यटक की हत्या हुई थी मारपीट के दौरान, उस पूरे मामला क्या था और उसका खुलासा कैसे? दिनांक 14/7 को पाटन गुजरात से कुछ लड़के थे जो इको गाड़ी लेकर घूमने के लिए आए हुए थे। माउंट में इन्होंने नक्की लेक में भ्रमण करने के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो सात रूम के पास इमली मोड़ है वहां पर किसी बात को लेकर ये रील बनाने लगे थे और साथ ही अन्य उच्च जो लड़के और थे जो कि अमीरगढ़ के रहने वाले थे वो लोग भी बैठे थे। इनकी आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट इतनी हो गई जिससे कि एक को ज्यादा चोट लगी थी जिसका नाम साहिल था। उसको उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन उसको लेकर वो मेहसाना चले गए और वहां जाने के बाद लायंस हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां से जब इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को तो पुलिस ने वहां जाकर जानकारी ली। जानकारी लेकर जब उनको बुला के मौका मुआयना देखा गया तो घटना की पूरी जानकारी मिलने पर प्रकरण दर्ज किया गया था 15 तारीख को। तब ये काफी हवा चली थी कि माउंट आबू के लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट की गुजरात वालों के साथ में, जबकि ऐसा नहीं था। वो पर्यटन भी पाटन गुजरात से आए थे और मारपीट करने वाले जो आरोपी थे वो भी अमीरगढ़ बनासकांठा के ही थे रहने वाले, जिसमें हमने काफी प्रयास किया और एसपी साहब के निर्देश में, एडिशनल एसपी के निर्देश में हमने टीमें बनाई और थाने की हमारी टीम जो विशेष टीम बनाई थी और एक दल बनाया गया था जो कि हर चीज को देखेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अनज्ञान थे, किसी प्रकार का कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले वहाँ कैमरे खंगालने शुरू किए। तो ऊपर से लेकर माउंट आबू से लेकर हमने जो मावल चेक पोस्ट तक के करीबन 450 के करीब कैमरे खंगाले और उनमें जो रिकॉर्ड और टाइम के अनुसार जो घटना बन रही थी जैसे होलिया बताया था उन पे हमने फोकस किया और तकनीकी टीम ने अपने जो साक्ष्य जुटाए और साक्ष्यों को आधार मानते हुए हमारे द्वारा 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ में घटना स्वीकार की उन्होंने कि आपसी बोलचाल में हमने ये घटना कारित कर दी थी। सर, पूरे मामले में कोई अन्य आरोपी भी है, उसकी तलाश जारी है, क्या है वो आगे का? इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनको बापरदा रखा गया है पहचान के लिए और साथ ही अन्य की जानकारी मिली है, एक दो अन्य भी हैं जिनके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे शीघ्र गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि माउंट आबू पुलिस को पूरे मामले को लेकर के कामयाबी मिली है और अन्य की तलाश भी अब पुलिस कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा था, जो खबरें चल रही थी, उसको लेकर के आज पुलिस ने यहां पर बड़ा खुलासा किया। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू।